कोरोना संकट में घिरे महाराष्ट्र के सैकड़ों डॉक्टरों ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आत्महत्या करने की अनुमति मांगी है। असल में आर्थिक रूप से बदहाली का सामना कर रहे डॉक्टरों से उद्धव ठाकरे सरकारों ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। डॉक्टरों का कहना है कि एक तो वादा खिलाफी और दूसरे अपमानजनक व्यवहार, इससे तो अच्छा है कि वे अपना जीवन ही खत्म कर दें। उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में आयुर्वेद के डॉक्टरों ने विशेष तौर पर कोरोना काल में किए गए दुर्व्यवहार को लेकर खेद व्यक्त किया और साथ ही पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में लंबे समय तक तैनाती पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वे पिछले 2 दशक से 18 आदिवासी जिलों में लोगों की सेवा कर रहे हैं। अक्सर दूर दराज के ऐसे गाँवों में जाते हैं जहाँ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, लेकिन सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। BAMS के डॉक्टरों के मुताबिक वे इन पिछड़े इलाकों में स्थानीय लोगों के छोटी मोटी बीमारियों, सांप बिच्छू के काटने, कुपोषित बच्चों का इलाज आदि सहित विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा लिखा गया एक पत्र आयुर्वेदिक चिकित्सक स्वप्निल लोंकर द्वारा अपना जीवन समाप्त करने के कुछ दिनों बाद आया है, जब उन्हें MPSC की परीक्षा पास करने के बावजूद पोस्टिंग से वंचित कर दिया गया था। अपने जीवन को समाप्त करने के लिए इजाजत मांगने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों में से एक डॉक्टर शेषराव सूर्यवंशी ने कहा कि राज्य सरकार इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवा करने वाले पुलिस और सरकारी अधिकारियों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता देती है, जबकि डॉक्टरों को समान लाभ से वंचित किया जाता है और वेतन के रूप में सिर्फ 24,000 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल डॉक्टरों और महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और जनजातीय मंत्रालय के बीच एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था कि आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले इन 291 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मौजूदा वेतन 24,000 रुपए के बजाय 40,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इस फैसले पर अमल होना बाकी है, जो निश्चित रूप से फ्रंटलाइन वर्कर के लिए चिंता का विषय है। महाविकास आधारी सरकार के प्रति निराशा व्यक्त करते हुए डॉक्टर सूर्यवंशी ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के सबसे दूरस्थ कोणों में प्रतिकूल परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करने के बाद भी विशेष रूप से COVID-19 महामारी के दौरान उनके प्रति कोई मानवता नहीं दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।